हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा हम अपने अध्याय 6 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि। अब पिछली वीडियो में जो पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था हमने कि श्वसन जो है मानव में, उसमें कौन कौन से श्वसन क्रिया में अंग सहायक होते हैं। मुख्य अंग तो हमारा फेफड़ा है, लेकिन उसके अलावा जैसे आपकी नाक है, जिसे हम नसिका बोलते हैं, नासा गुहा है, आपकी ग्रसनी है, आपका स्वरयंत्र है, और आपका श्वास नली है, श्वसनिकाएं हैं, वो सब क्या है, वो सहायक अंग होते हैं आपकी श्वसन क्रिया में। अब हम जानेंगे कि श्वसन की जो क्रिया है वो हमारे अंदर होती कैसे है। आपसे अगर कोई पूछे कि कैसे होती है, तो आप क्या बताएंगे कि हाँ जी, हम सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जाती है, पहले नासा गुहा में जाती है, फिर आपका ग्रसनी में जाती है, फिर आपका स्वरयंत्र में जाती है, फिर श्वास नली में, और उसके बाद फेफड़ों में चली जाती है। ऐसे ही CO2 बाहर निकलती है कि CO2 फेफड़ों में आ जाती है जब भोजन का अपचयन हो जाता है, और आपकी वायु कुपिकाओं में आ जाती है, वायु कुपिकाओं से वो आपकी श्वसनिकाओं में आती है, श्वसनिकाओं से वो आपकी श्वास नली में आती है, और श्वास नली में आने के बाद वो ग्रसनी से होती हुई, नासा गुहा से होती हुई बाहर निकल जाती है आपके। लेकिन जो सही क्रिया है हमारी वो यही नहीं है श्वसन की। श्वसन की क्रिया में हमारा जो डायफ्राम है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, अब वो देखिए, आप समझिए। श्वसन की जो क्रिया है वो दो प्रकार से होती है। पहली है आपकी बहिश्वसन और दूसरी है आपकी अंतःश्वसन की क्रिया, जिसे हम इंस्पायरेशन या इनहेलिंग और एक्सपायरेशन, सॉरी, ये है हमारा इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलिंग, और ये है हमारा एक्सपायरेशन यानी कि आपका एक्सहेलिंग, बहिश्वसन जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाहर निकालना, अंतः माने अंदर लेना। तो अब हम पहले बहिश्वसन की क्रिया को समझ रहे हैं कि हम CO2 को कैसे बाहर निकाल रहे हैं। जो CO2 है, जब वो हमारे शरीर में भोजन के अपचयन से आ जाती है, कहाँ पर, वायु कुपिकाओं के अंदर जो लंग में उपस्थित होती हैं, तो जो हमारा डायफ्राम होता है, फेफड़े किस पे, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फेफड़े किस पर अटैच रहते हैं, डायफ्राम पर। तो डायफ्राम और फेफड़ों के बीच में हल्की सी बहुत छोटी सी जो है स्थान भी पाया जाता है, रिक्त स्थान। तो जैसे ही आपके CO2 आ जाती है वायु कुपिकाओं के अंदर, तो ये डायफ्राम आपका हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, फेफड़े आपके सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो आपकी CO2 है वो आपकी वायु कुपिकाओं से कहाँ जाती है, आपकी श्वसनिकाओं में आ जाती है, श्वसनिकाओं के बाद वो आपकी श्वास नली में आती है, फिर ग्रसनी में आती है, और ग्रसनी के बाद नसिका से होती हुई वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करा, यानी जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ उठा हल्का सा, फेफड़ों का आयतन भी कम हुआ, और आपका जो CO2 है वो आपकी शरीर से बाहर निकल गई। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं अंतःश्वसन की क्रिया की, यानी जब हम हवा को अंदर ले रहे हैं, या ये कहिए कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, पहले हमारी नासा गुहा से, या ये कहें कि हवा हमारी कहाँ जा रही है, नासा गुहा में जाती है, नासा गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ जाती है आपकी श्वास नली में, और श्वास नली से आपकी श्वसनिकाओं में आती है, उसके बाद फेफड़ों में, और फेफड़ों में आने के बाद वो किस में पड़ जाती है, आपकी वायु कुपिकाओं में, जिन्हें हम एल्वियोली भी कहते हैं। और उसके समय क्या हो जाता है, जब वो भर जाती है, या ये कहें कि जब हम इस तरह हवा ले रहे हैं, तो जो डायफ्राम है वो हल्का सा नीचे की तरफ आपका खिसक जाता है, आपके फेफड़ों का आयतन हल्का सा बढ़ जाता है, और वो जो आपकी थैली जैसी संरचना है, जिन्हें हम श्वसन कुपिकाएं या वायु कुपिकाएं हैं, उनके अंदर आकर आपकी जो ऑक्सीजन है वो एकत्रित होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी अंतःश्वसन की क्रिया होती है। तो अब आपका कोई जो पूछता है कि अंतःश्वसन और बहिश्वसन में क्या अंतर है, तो आप डायफ्राम को भी उसमें बताएंगे कि जब अंतःश्वसन और बहिश्वसन की क्रिया होती है, तो उस क्रिया, उन दोनों क्रियाओं में ही जो डायफ्राम है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें जो डायफ्राम है अंतःश्वसन में वो नीचे की तरफ हल्का सा हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, हमारे शरीर के अंदर ये दोनों क्रियाएं चलती हैं, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन डायफ्राम बहुत हल्का सा नीचे की तरफ मूव करता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का सा नीचे की तरफ आ जाएगा आपके, और फेफड़े आपके थोड़े से फैल जाएंगे, और उसके अंदर जो वायु कुपिकाएं हैं वो भी हल्की सी अपने आकार को बड़ा करेंगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सकें। इसी तरीके से विपरीत उस क्रिया में, बहिश्वसन में, डायफ्राम हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा, फेफड़े हल्के से सिकुड़ जाएंगे, और जो वायु कुपिकाएं हैं उनके अंदर जितनी भी CO2 भरी होगी वो आपकी निकल कर कहाँ जाएगी, श्वास नली में, और उसके बाद आपकी नासिका से होती हुई बाहर निकल जाएगी। तो आज हमने पढ़ा
कि किस तरीके से बहिश्वसन और अंतःश्वसन की क्रिया में जो डायफ्राम है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या ये कहें कि मानव में जो श्वसन है वो किस प्रकार से होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। घर पर है, सुरक्षित रहें।